सर्वे के मुताबिक 64% ऑफ पीपल फ्रॉम 16 to 28 यूज कंप्यूटर्स फॉर 10 hours आउट ऑफ 24 hours इन अ डे. यानी कि सुबह से शाम आप कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द पोजिशन दैट योर इन योर रिस्ट योर आर्म योर हेड. दीज थिंग्स कैन कॉज सीरियस बैक नेक आई पेन नी पेन. सो यू हैव टू बी श्योर ऑफ हाउ यू आर सिटिंग एंड हाउ यू लुकिंग एट द कंप्यूटर. अब इस चीज़ से आपको एक बहुत ही स्केरी डिजीज़ भी हो सकती है जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम. सर्जरी से ये चीज़ें जा सकती हैं बट वाई गो दैट फार, जस्ट टेक केयर ऑफ द वे यू आर सिटिंग एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू टुडे. Using the right chair, अब ये एक बहुत ही important चीज़ है. It doesn't seem so important, मगर है, क्योंकि the point is कि हमेशा हमेशा जब आप computer इस्तेमाल करें आप हमेशा relax हों और body tense ना हो. अब जब आप computer इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास अच्छी कुर्सी भी है, make sure that your feet are always on the ground flat, यानी कि पैर हमेशा flat ज़मीन पे, ताकि आपकी lower back और upper back supported रहे. अगर आपको ज़रूरत है इसकी तो cushions भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, just to make sure कि जगह बिल्कुल comfortable है. कुछ कुर्सियों पे आर्म रेस्ट होते हैं, अगर आपको आर्म रेस्ट पसंद है और आप कंफर्टेबल हैं यूज़ इट. इफ़ नॉट, अगर कोई भी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है या आपके शोल्डर्स सही से बैठ नहीं रहे, टेक दी आर्म रेस्ट ऑफ, डोंट रिस्क इट, क्योंकि इन चीज़ों से आपको बहुत बुरा बैक पेन हो सकता है. कीबोर्ड्स, नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो टाइपिंग का बहुत काम करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, चाहे ऑफिस में या घर पे, दैट द कीबोर्ड शुड बी डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि आपके बिल्कुल सामने, और आपके रिस्ट और हैंड्स हमेशा रिलैक्स हों एंड स्पेशली योर शोल्डर्स. एनी ऑकवर्ड पोजिशन, इफ इट्स टू हाई, ज़्यादा लो, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर नेक एंड योर बैक, और आपकी प्रोडक्टिविटी विल बी लो. रेस्ट योर पाम्स. अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें आपके पास रिस्ट रेस्ट होती हैं. Naturally, this is only for desktops. मगर these things are designed so that आपके palms और wrists rest कर सकते हैं. Keep in mind that ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. You should not use a wrist rest while you are typing. सिर्फ जब आप break ले रहे हैं या आप type नहीं कर रहे, use it. Also, never buy a keyboard with a wrist rest जिसकी wrist rest space bar से ज़्यादा high हो. Be careful about wrist rest and relaxing your palms and keeping them away from a hard surface, क्योंकि इससे आपको ब्लड फ्लो में इशू हो सकता है और फिर हमेशा आपके हाथों में और रिस्ट में दर्द रहेगा. पोजिशनिंग योर मॉनिटर करेक्टली, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंपली बिकॉज अगर आपकी मॉनिटर एक ठीक पोजिशन में नहीं है या ऑकवर्ड एंगल पे है तो आपकी गर्दन में बहुत दर्द हो सकता है, क्योंकि आपके नेक में स्ट्रेन आएगा नेचुरली. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो नो कि मोस्ट पीपल, यूजली लोग कंप्यूटर या मॉनिटर को आई लेवल से थोड़ा सा नीचे रखते हैं, मगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यू कैन ट्राई दिस, कि अगर आप मॉनिटर को आई लेवल से 2-3 inches ऊपर रखें, यू विल नेवर हैव अ नेक प्रॉब्लम. बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस बिकॉज नेक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड यू डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेन दैम लुकिंग एट एन ऑकवर्ड एंगल एट द कंप्यूटर. द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर मॉनिटर, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. याद रखिएगा हमेशा कि द डिस्टेंस यू शुड ऑलवेज हैव फ्रॉम योर मॉनिटर मिनिमम 12 inches, यानी कि 8 foot. इफ यू हैव बैड आईज या ग्लासेस पहनते हैं आप, आई विल चेक विद योर ऑप्टिशन और उसके मुताबिक अपने मॉनिटर को प्लेस कीजिएगा. ऑल्सो रिमेंबर दैट ग्लेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि आपके कंप्यूटर पर ग्लेयर नहीं पड़नी चाहिए या फिर लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दैट स्ट्रेन्स योर आईज एंड मेक्स दम वीक. Also remember, very importantly, that in the market you can find anti-glare anywhere. Anti-glare is a screen that you can place on your monitor and that will take away the glare almost completely. Ek aur cheez yaad rakhni chahiye aapko, avoid using a computer in a dark room, yani ki dark kamre mein koshish kijiyega, try your best ki aap nahi use kare ye computer, kyunki sabse zyada glare jo computer screen se aati hai wo tab aati hai jab uski surroundings dark hoti hai, yani ki kamra, when the room is dark, the computer is the most powerful and it affects your eyes. Try not to do that. Some simple tips. अब कोशिश कीजिएगा कि हर 20 या 30 मिनट के बाद आप कम से कम 1 या 2 मिनट की ब्रेक लें. अगर 1 घंटे काम किया आपने, मेक श्योर के कम से कम 5 या 10 मिनट की आप ब्रेक ज़रूरी लें. Also, always try to get away from your computer during lunch breaks and get some air. अच्छी work habits बनाना बहुत ज़रूरी है. Now, it doesn't matter अगर आपने अपने ऑफिस या क्यूबिकल को एक गार्डन या एक हेवन बनाया हुआ है, इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा हमेशा कंप्यूटर के सामने विदाउट ब्रेक नहीं बैठे रहें, बिकॉज दैट कैन स्टिल गिव यू ब्लड फ्लो प्रॉब्लम्स, पेन, वॉट नॉट. सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड फॉर्म अ गुड वर्क हैबिट
सो दैट यू कैन टेक ब्रेक्स एंड बी मोर प्रोडक्टिव. कोशिश कीजिए कि हमेशा आपके पास जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं एक पानी की बोतल या पानी का ग्लास हो. कीप हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पानी पीते रहें यू बी हाइड्रेटेड, यू वॉन्ट गेट अ हेडेक. और अगेन वन मोर वे टू बी मोर प्रोडक्टिव एट योर जॉब. आई होप यू एंजॉय द ट्रिप्स फॉर हैक एंड स्लैश दिस वीक. डोंट गो एनीवेयर. Very interesting program coming up for you after this. MP3 songs तो हर कोई सुनता है. क्या आप जानते हैं कि MP3 का मतलब क्या है? Music Player 3, MPEG Audio Player 3, Melody Player 3, Master Player 3,